मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे मेरी खुशी इस चीज में है कि तुम इस घर से जल्द अज जल्द चली जाओ। चली तो मैं पहले भी गई थी इस घर से, लेकिन क्या आप मुझे अपनी जिंदगी और अपने ख्यालों से निकाल पाए थे? बिल्लू की ऑफर ठुकरा कर आपको सिर्फ नुकसान होगा। सीधी तरह से ना ना मानी तो सबसे पहले तो मैं ही केस करूंगा और तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। बीवी हो मेरी, खुद को समझती क्या हो? और मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता है। अच्छा ऐसा करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। जो इतना सारा खाना बनवाया वो कौन खाएगा? तुम्हारी कजन, और कौन? Ah!
हसना क्या हुआ? Are you okay? क्या हुआ? क्या उसने वो मिना क्या क्या हुआ उसने कुछ नहीं बस पूरा ख्वाब देखा पानी पिया पानी भूल जाओ ख्वाब को पानी पियो और सो जाओ क्या हुआ सुना तुम कुछ परेशान लग रही हो कुछ नहीं तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही रेस्ट कर लो आप बिना वजह परेशान हो रहे हो घर पे वैसे भी कुछ करने को नहीं होता आप फिक्र ना करें मैं बिल्कुल ठीक हूँ कैसे फिक्र ना करूं इस घर को और मुझे दोनों को जरूरत है तुम्हारी सिर्फ जरूरत है और कुछ नहीं क्या मतलब शादी के बाद अली हर औरत को अपने जीवन साथी से सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है वो है मोहब्बत जिसे खोने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती तुम्हें मेरी मोहब्बत में कोई कमी महसूस हुई है तुमने मुझे नई जिंदगी दी है मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं तुम्हें वो प्यार वो इज्जत नहीं दे पाया जो तुम्हारा हक था लेकिन मैं कोशिश करता हूं सच में मैं कोशिश करता हूं बस कभी कभी गलती कर देता हूं तो माफ कर दो मेरे लिए यकीन ही काफी अली कि आप सिर्फ मेरे मेरे अलावा कोई भी नहीं आपकी जिंदगी में और अगर कोई हो तो वो दिन इस घर में मेरा आखिरी दिन होगा अरे उस्ताद मजाक कर रहा था सीरियस ही हो गई ये मजाक कभी मत कीजिएगा ली मैं आपको खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती तुम्हें मुझ पे यकीन रखना होगा उस्ताद हुस्ना वो क्या हुआ ये घबराए भी क्यों
वो मुझे बिल्लू ब्लैकमेल कर रहा है, उसका फोन आया था। चले मामा, मैंने सामान गाड़ी में रखवा दिया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम तैयार हो? हाँ, मैंने तो पैकिंग कर ली। चलो, देर हो रही है। मामा, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं। अली ने तो हमें अपनी जिंदगी से दरबदर कर दिया है, ऊपर से ये सब कुछ, और ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। सारा कसूर मेरा है ना मामा। हम फरिश्ते नहीं, इंसान है बेटा, और इंसान गलती नहीं करेगा तो इंसान कैसे कहलाएगा? तुम अपना दिल छोटा मत करो। तुम भी तो ये चाहती थी ना कि हमें घर छोड़ दें, किसी अच्छी जगह जाके रहें। पर अभी गिल्ट क्यों? मेरे लिए तो घर वही है जहाँ तुम हो, वही मेरा घर, वही मेरी सारी खुशियाँ। मामा, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, और मैंने सारी जिंदगी आपकी कोई बात नहीं मानी। काश मैं आपके समझाने पे समझ जाती मामा, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। काश मैं वो वक्त वापस ला सकूं। वक्त कभी वापस लौट कर नहीं आता। वक्त समंदर में गिरा हुआ वो मोती है जो कभी वापस नहीं मिलता। इसलिए अब तुम गुजरा हुआ वक्त भूल जाओ। इसलिए तुम आइंदा कदम फूंक फूंक कर रखना, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि आने वाले वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूं या नहीं। मामा, क्या कह रही हो? इस तरह की बातें मत किया करो। अच्छा चलो, चलें, देर हो रही है। हाँ चलें। बिल्लू का फोन आया था, और वो तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। खुद को संभालो, संभालो अपने आप को, बैठने दे। क्या क्या कह रहा है वो? वो मुझे कह रहा था कि मैं उसके पास वापस चली जाऊं। तो ऐसा भी क्या गलत कहा है उसने? कैसी बातें कर रहे लिया? बिल्लू उसको तलाक दे चुका है। आप भी ना कमाल करते हैं, कैसे रह सकती है वो उसके साथ? हाँ ना, मैंने भी उससे यही कहा था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि कोई नहीं जानता कि उसने मुझे तलाक दी थी। उसका मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ। मैं बिल्लू से बात करूंगी। तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप अली? वो मिन्हा को तंग कर रहे और हम चुपचाप बैठे रहे और तमाशा देखते रहे। हमें किसी के जाती मसले में पड़ने की जरूरत नहीं है, ये इनका अपना मसला है, और अपने मसाइल हल करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। सही कह रहे हैं आप अली, जब जिंदगी ने मुझे तन्हा कर दिया तो कोई और मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद क्यों करेगा? नहीं मिन्हा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं पुलिस पे रिपोर्ट करूंगी उसकी।
लेकिन मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा। ये काम तमन्ना खुद भी कर सकती है, पर मेरी इजाजत के बगैर तुम कोई कदम नहीं उठाओ। जी भैया आगो, ये यहाँ पर आंटी लोगों की बेटी रहती हैं, उनसे वो तो आज सुबह चले गए हैं छोड़ के। चली गई? हाँ जी चलेंगे। आप कौन? मैं एक्चुअली उनका रिश्तेदार हूँ। सुबह चले गए? कहाँ गई? कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं। सुना, एक बार कह दिया ना, और वैसे भी ये शादी तमन्ना ने खुद अपनी मर्जी से की थी। क्या तब नहीं पता था इन्हें बिल्लू कैसा इंसान है? सही कह रहे हैं आप अली, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि जिंदगी कभी कभी ऐसी चाल चलती है ना कि आपको जहर का प्याला भी हंसते हंसते होठों से लगाना पड़ता है। हर कोई हुस्ना की तरह खुशकिस्मत नहीं होता। अली आप तो सबकी मदद करते हैं, फिर मिन्ना तो मेरी कजन है। प्लीज मेरी खातिर से मदद कर दें। आप बिलू से बात करें, नहीं तो कोई लॉयर से बात करवा दें। हुस्ना मैंने कहा ना, मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा, और तुम भी ये सबसे दूर रहो। के लिए बहुत बेहतर होगा ये वापस अपने घर ही चली जाए। अली वो घर अब इसका नहीं रहा, बिल्लू ने सब कुछ छीन लिया इससे। यही तो परेशानी है कि इतना सब कुछ हो गया है फिर भी ये यहां बैठी है। इन्हें तो उस पे केस करना चाहिए, लेकिन शायद इन्हें किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। खैर नहीं हुए, अभी मैं चलता हूं, शाम को बाहर चलेंगे। आप इसकी बात एक बार सुन क्यों नहीं लेते? कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो तुम हुस्ना? मेरा और उसका जो ताल्लुक है, उसके बाद मैं अब उसके तलाक के मामले में पढ़ूंगा तो सब कहेंगे उसकी तलाक मेरी वजह से हुई है। बस मैं बहुत मजाक नहीं करता। ना फिजना ये देखिए मामा, ये है हमारा नया घर। रिफा तो बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत बड़ा घर है। आपको अच्छा लगा? घर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका तो रेंट भी बहुत ज्यादा होगा। मामा इतना ज्यादा नहीं है, हम आसानी से दे सकते हैं, आप फिक्र ना करें। मैं क्यों फिक्र ना करूं? तुम इतनी मेहनत से कमाओ और मैं वो पैसे यूं फजूल में उड़ा दूं, ये मैं कभी भी नहीं कर सकती। आप हमेशा मुझे इस तरह पराया क्यों कर देती हो मामा? अगर मेरी जगह आपका बेटा होता तो आप इस तरह की बातें करती? बेटा बेटियां तो पराया धन होती हैं, उनके पैसे उनके अपने घर में लगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। मामा मुझे आपकी ये थ्योरी बिल्कुल नहीं समझ आती।
मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि आपका बेटा हूँ, और जहाँ मेरी मामा वहीं मेरा घर। आपको पता है मामा, मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ था एक लड़की की सबसे अच्छी सहेली उसकी माँ होती है, जो सुख दुख में उसका साथ देती है। मैं जानती हूँ बेटा, मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तो बहुत मसरूफ थी, और आज जब मेरे पास वक्त है तो मैं खाली हाथ खाली दामन। ऐसा क्यों कह रही हैं आप, मैं हूँ ना आपके पास। बेटा तुम ही तो मेरा वाहिद सहारा हो इस दुनिया में। आप क्यों परेशान होती हो मामा, बहुत जल्द हमारा भी वक्त बदलेगा। हाँ एनी, वक्त तो बदलता रहता है, बुरा वक्त भी भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में लोगों का बुरा रवैया कभी नहीं भूलता। रोना तो बंद करो। क्यों ना रो मैं हुस्ना, हाँ ये सब मेरा ही तो कसूर है, मेरी गलती है कि मैंने जिसको चाहा उसने मुझे धोखा दिया, तो ये सब मेरे साथ होना चाहिए था। मैंने मेरी को समझाऊंगी। क्या समझाओगी तुम, तुमने देखा नहीं उन्होंने क्या किया, तुमने बहुत ज्यादती की है उसने। मैंने? हाँ तुमने, मुझे यहाँ लाकर देखा ना, तुमने अली मुझसे नफरत करते हैं, तो तुम जानती हो कि मैं भी यहाँ आना नहीं चाहती थी। ना क्या हो गया, ये तुमसे नफरत नहीं करते, वो बस गुस्से में, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनसे इजाजत नहीं ली ना। ये तुम्हारी बहन का घर है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो, रह सकती हो। नहीं उसने, अली की इतनी नफरत मैं सह नहीं पाऊंगी, तुम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अच्छा कहाँ जाओगी, वो बिल्लू तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। तो क्या हुआ, अब तो मेरा नसीब है। नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम पे कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो उसना, तुम्हें डर नहीं लगता? मेरा और अली का एक माजी रहा है, फिर भी तुम हमें एक छत के नीचे रखना चाहती हो। क्योंकि ये माजी नहीं हाल है, मैं जानती हूँ जो हुआ सो हुआ, तुम्हारे अली के दरमियान अब कुछ भी नहीं। गलती सबसे होती है, गलती हो गई तो क्या, कि सारी जिंदगी इस पछतावे में ही गुजर जाएगी। लेकिन उसना, लेकिन कुछ नहीं, तुम मेरी बहन और अली मेरे शोहर हैं, मुझे तुम दोनों पे पूरा भरोसा है, समझ आई? अब उठो मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना। मिना, मैं अपनी जिंदगी में वो जगह नहीं दे सकता, वो समझ क्यों नहीं रही? अली की वजह से आप बहुत हर्ट हैं, उसकी बातों से आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन मामा अगर वो ही हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता ना, तो हम भी उसे भुला देंगे। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुझ पे तरस खा के। सांभ है तू, तेरा सर तो मुझे उसी दिन कुचल देना चाहिए था। सही कह रहे हो अली, जब जिंदगी ने मुझे तन्हा कर दिया तो कोई और मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद क्यों करेगा।
कि जिंदगी कभी कभी ऐसी चाल चलती है ना कि आपको जहर का प्याला भी हंसते हंसते होठों से लगाना पड़ता है। हर कोई हुस्ना की तरह खुशकिस्मत नहीं होता। ये मैं क्या कर रहा हूं? उसे दुख दे रहा हूं जिसकी आंख में एक आंसू नहीं देख सकता था। लेकिन मैं क्या करूं? अब तमन्ना को मैं अपनी जिंदगी में वो जगह नहीं दे सकता। वो समझ क्यों नहीं रही? उसे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन कहां जाएगी वो बेचारी? जो भी हो, मैं उसके लिए हुस्ना की खुशियां कुर्बान नहीं कर सकता। मैं समझती हूँ मामा, अली की वजह से आप बहुत हर्ट हैं, उसकी बातों से आपको बहुत दुख पहुंचा है। लेकिन मामा, अगर वो ही हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता ना, तो हम भी उसे भुला देंगे। उससे अगर हमारी जरूरत नहीं है तो हम भी उसे दिल से निकाल देंगे। बेटा, रवैयों की बदसूरती का हमें तब तक एहसास नहीं होता जब तक वो हमारे साथ न बरते जाएं। मुझे अली से कोई शिकवा नहीं है, मैं तो यही सब डिजर्व करती थी। लेकिन मुझे दुख तो सिर्फ इस बात का है कि उसने तुम्हारा जरा एहसास नहीं किया। इस सब में तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था। मामा, जो शख्स मेरी मामा से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता ना, मेरा भी उससे कोई रिश्ता नहीं। लेकिन एनी बेट, मामा इतना तो मैं समझ ही चुकी हूँ, मेरे रवैयों के फंदे रिश्तों की सांस रोक दिया करते हैं। अरे मेरी बेटी तो इतनी समझदार हो गई है कि दुनिया की ऊंच नीच समझने लगी है। हाँ आप कहाँ चले गए? पता तो है तुम्हें, देर हो रही, ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन आपने तो कहा था। खैर, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? मैं जानती हूँ आप ये सब कुछ क्यों कह रहे। तुम अगर जान जाओ तो शायद मेरी शक्ल भी ना देखो। अली, आप सुन रहे हैं? हाँ बोलो। आपको पता मैं कितनी डिस्टर्ब है? तुम उसे उठा के घर में ले आई हो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अब इससे ज्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना, ओके? लेकिन अली, आपका रवैया उसके साथ बहुत बुरा है। वो पहले ही बहुत टूट चुकी है। तो मैं क्या करूं? मैंने तो कुछ नहीं किया उसे अपसेट करने के लिए। और मुझे हर वक्त उसकी तरफदारी बिल्कुल पसंद नहीं, समझ आई? लेकिन अली, किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं। अभी तुम्हारे पास कोई बात नहीं बची करने के लिए, तो प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत कर। अच्छा बाबा, मैं नहीं कर रही इस बारे में बात, लेकिन आपने नाश्ता तक नहीं किया। मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा, फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करूं मैं? अच्छा, आप सारा दिन गुस्से में मत रहिएगा। पहले ऐसी बातें करती हो और फिर मुझसे कहती हो कि मैं गुस्सा ना करूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आप किस बात पर गुस्सा कर रहे हैं। जब आपके और मीना के दरमियान कुछ भी नहीं तो मसला क्या है? और वो आपकी कितनी इज्जत करती है अली। मेरी बहन है वो, और इस वक्त में मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तो मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया उसकी मदद करने से? अच्छा खैर, जो भी है, मैं ऑफिस पहुंच गया हूं, तुमसे बाद में बात करता हूं, ठीक है? ओके बाय। मुझे अली को मजबूर नहीं करना चाहिए। अब वो मीना को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पाता,
तुम्हें क्यों जबरदस्ती कर रही हो? यहां मुझे बार बार अली को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं खुद ही मीना के लिए कुछ कर करूं। मामा, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं अली को उसके पैसे वापस लौटाऊंगी। शाबाश मेरी जान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन लेकिन क्या मामा? लेकिन बेटा, घर की शिफ्टिंग और बाकी चीजों के लिए हमने इन्हीं पैसों में से कुछ पैसे खर्च भी तो कर लिए हैं। मैं जानती हूँ मामा, इसीलिए मैंने अपने पैसे थोड़ा सा एडवांस ले लिया था। इतनी जल्दी एडवांस? कहीं तुम्हारी जॉब के लिए बुरा ना हो। नहीं होगा मामा, मैंने पहले ही घर की शिफ्टिंग की बात कर ली थी और मेरी बॉस तो बहुत अच्छी है, वो मान गई थी। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भूल गई थी मामा। अच्छा अब आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए कुछ मजेदार पकाती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना लेती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। नहीं ना मामा, मैं बना लूंगी। तुम किचन में नहीं जाओगी? कहा ना मैं जाती हूँ बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है, हम बाहर से मंगवा लेते हैं। अब नए घर की पार्टी तो बनती है ना? तुम खुद को समझते क्या होली? कब तक अपनी फीलिंग्स को छुपाओगे? ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं। मैं भी देखती हूँ कब तक मुझसे नजरें चुराओगे। मुझे अली से मिलना होगा, उससे बात करनी होगी। हाँ, इस तरह हुस्ना के सामने तो यही ड्रामा चलता रहेगा और अब तो कोई और तरीका अपनाना होगा। लेकिन हुस्ना, उससे क्या कहूंगी? कोई बहाना सोच लूंगी, बस अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। हेलो अली साहब, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे है? अरे सर, इतनी जल्दी भूल गए आप, मैं विकी बात कर रहा हूँ। तेरी इतनी जुर्रत, तूने मुझे कॉल की? अरे अली सर, आप तो बिना वजह नाराज हो रहे हैं। पहले आप मेरी बात तो सुन लें। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुझ पे तरस खा के। सांप है तू, तेरा सर तो मुझे उसी दिन कुचल देना चाहिए था। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। धमकियां किसी और को दीजिएगा सर, मैंने तो सिर्फ आपको इसलिए फोन किया है कि क्या आप जानते हैं एनी कहां है? तेरा एनी से अब कोई ताल्लुक नहीं है। आज के बाद अपनी गंदी जुबान से उसका नाम लिया ना तो तेरी जुबान खींच लूंगा मैं, समझा? अरे सर,
ये जो आप बात बेबात जज्बाती हो जाते हैं ना, अच्छी आदत नहीं है। और जहाँ तक रह गई ऐनी की बात, वो तो अभी मुझसे पहले की तरह मोहब्बत करती है। अपनी बकवास बंद कर, वो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये आपसे किसने कहा अली सर? ऐनी तो मुझसे अब भी पहले की तरह मिलती है। अब तो प्यार करने वालों के बीच छोटी मोटी नाराजगियाँ तो चलती ही हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे छोड़ ही देगी। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, और आइंदा मुझे फोन मत करना। अच्छा भाई, नहीं करता कॉल। आप मुझे ऐनी का पता तो बता दें। फिर इतनी जरूरत तूने फिर से ऐनी का पूछा? अच्छा शट अप। वैसे बुरा मत मनाइएगा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने अपनी चहेती फूफो और ऐनी को अपने घर से ही निकाल दिया? मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझता। ओ अच्छा, अब मैं समझा, जरूर उस तमन्ना का मसला होगा ना। वो है ही इतनी खूबसूरत कि जाकर भी उसकी याद दिल से नहीं भुलाई जाती। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, कैसे पकड़ेंगे मुझे? मेरे झूठे मोबाइल नंबर से? इसीलिए मैंने आपको अननोन नंबर से फोन किया है। आप जाकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहां तक रही ऐनी की बात, उसे तो मैं ढूंढ ही लूंगा। पर हाँ, तमन्ना का मेरी तरफ से जरूर हाल पूछिएगा। हाँ तमन्ना, मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, हाँ मेरे, ओ मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, हाँ मेरे, मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, हाँ मेरे, ओ मौला मौला मेरे, मैं अपने लॉयर से मिलने चाहता हूँ। लॉयर से? खैरियत तो है? कमाल करती हो उसना, जब तुमने और तुम्हारे शौहर ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया है तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जब तुम्हारा मुझसे और अनी से कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर आखिर ऐसी क्या बात होगी कि तुम मुझसे बात करने पे मजबूर हो गए? वो अनी अभी तक विकी से मिलती है। अब तुम्हारा मीना से कोई ताल्लुक नहीं है तो उसको तंग करना छोड़ दो। तुम्हें किसने कहा कि मैंने उसे तलाक दे दी है? अरे मीना, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे एक जरूरी काम है, बस वहीं जा रही हूँ। काम? कैसा? मैं अपने लॉयर से मिलने चाहती हूँ। लॉयर से? खैरियत तो है? कमाल करती हो उसना, जब तुमने और तुम्हारे शौहर ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया है तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा बिल्लू से जान छुड़ाने के लिए। मैं जानती हूँ मीना, तुम अली के रवैये से बहुत हर्ट हुई है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अली को मना लूँ, वो मान जाएंगे। तुम्हें मेरे लिए अली की मन्नत करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। वैसे भी मुझे सोचना चाहिए था कि अभी घर तुम्हारा है, अली तुम्हारा शौहर है, और मैं नहीं चाहती उसना कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में कोई परेशानी आए। तुम गलत समझ रही हो मीना, अली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरी कोई भी बात नहीं टालते। अली को मुझसे बेहतर तुम नहीं जान सकती, वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन शायद वो सब भूल नहीं पाए जो हमारे दरमियान था। खैर तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। मैं भी चलूँ साथ? नहीं उस्ता, तुम कहाँ मेरे साथ धक्के खाओगी। मेरा तो अब ये नसीब है, मैं जाती हूँ।
जहां तक रह गई ऐनी की बात, वो तो अब भी मुझसे पहले की तरह मोहब्बत करती है। ऐनी तो मुझसे अब भी पहले की तरह मिलती है। अब तो प्यार करने वालों के बीच छोटी मोटी नाराजगियां तो चलती ही हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे छोड़ ही देगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने अपनी चहेती फूफो और ऐनी को अपने घर से ही निकाल दिया? क्या बात है अली, क्यों बार बार फोन करके मुझे सता रहे हो? वो आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्यों, आज कैसे तुम्हें अपनी इस गुनहगार पोपो का ख्याल आ गया? पोपो, मैंने ऐनी के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। जब तुम्हारा मुझसे और ऐनी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर आखिर ऐसी क्या बात होगी कि तुम मुझसे बात करने पर मजबूर हो गए? वो ऐनी अभी तक विकी से मिलती है? जवाब दें पोपो। आई डोंट बिलीव दिस। आपकी खामोशी का मतलब ये सच है? पोपो क्या हो गया आपको? पोपो, उसने जो कुछ किया उसके बाद आप कैसे मिलने दे सकती हैं उसे ऐनी के साथ? वो आवारा लड़का किसी भी तरह ऐनी के काबिल नहीं है पोपो। वो सब कुछ भी आपकी लापरवाही की वजह से हुआ। और अब अली, ऐनी मेरी बेटी है। वो अच्छा करे या बुरा, वो मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारी नहीं। जब तुम हमसे हर ताल्लुक, हर रिश्ता तोड़ चुके हो, तो फिर तो तुम्हारा हमारे लिए परेशान होना बनता ही नहीं है। लेकिन मुझे ऐनी की फिक्र है। तुम्हें क्यों ऐनी की फिक्र होने लगी? तुमने कभी पूछा है कि ऐनी के साल में? कभी तुमने पता करने की कोशिश की कि हम किन किन हालात का सामना करते रहे हैं? तुम्हें क्या परवाह होगी, तुम्हें कभी एहसास हो ही नहीं सकता। पोपो, मेरी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत थी आप मुझसे कहती। आप जानती मुझे, मैं कभी भी ना ना करता। बस कर दो अली, बस। हमें तुम्हारी कोई भीख नहीं चाहिए। मैं अपना और अपनी बेटी का बहुत अच्छा सा ख्याल रख सकती हूँ। और हाँ, अपनी बीवी से कह दो कि मेरी बेटी से दूर रहे। हमें तुम्हारी या तुम्हारी बीवी की किसी किस्म की कोई मदद नहीं चाहिए, समझे? हुस्ना का यहां क्या जिक्र? ओ, तो उसने तुम्हें वाकई कुछ नहीं बताया, या तुम उसे मेरे सामने नेक साबित करना चाह रहे हो? खैर, जो भी है, मुझे तुमसे या तुम्हारी बीवी से अब कोई सरोकार नहीं, समझे? बस दुआ करती हूं कि तुम जहां रहो खुश रहो। अब तुम्हें मेरे लिए या ऐनी के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज़। क्या नहीं बता? हेलो, ऐनी बेटा, मैं आऊं?
हेलो, कौन? मैं बोल रही हूँ उसना। अरे उसना, तुम तो लगता है मेरी याद में बिल्कुल ही पागल होती जा रही हो। कहो तो मिलने आ जाओ। अपनी बकवास ना बंद करो। ले, मेरी बकवास बंद कराने के लिए फोन किया था। वो क्या कहते हैं, अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा, खुद फोन करती हो और खुद ही डांटती हो। सर मेरे पास है तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है, मेरी बात गौर से सुनो। कहो क्या कहना है। देखो बिल्लू, अब तुम्हारा मीना से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको तंग करना छोड़ दो। ओ, वो कम तो ऐसे दे रही हो जैसे मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और तुम मेरी आका। तो तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे। हाँ अच्छा, बिल्लू को दम किया, मैं अब तो बिल्कुल ही नहीं मानूंगा, जो जो करना कर लो। मैं ना पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। अपने तुम उसको तलाक दे दी तो उसका पीछा करने का क्या ताल्लुक बनता है। ओ बीबी, तुम्हें किसने कहा कि मैंने उसे तलाक दे दी है? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि वो अभी भी मेरी बीवी है। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला, बस कर दो अली, बस, हमें तुम्हारी कोई भीख नहीं चाहिए। तू ही किनारा। मैं अपना और अपनी बेटी का बहुत अच्छा सा ख्याल रख सकती हूँ, और हाँ अपनी बीवी से कह दो कि मेरी बेटी से दूर रहे। हमें तुम्हारी या तुम्हारी बीवी की किसी किस्म की कोई मदद नहीं चाहिए, समझे? तो उसने तुम्हें वाकई कुछ नहीं बताया, या तुम उसे मेरे सामने नेक साबित करना चाह रहे? मुझे तुमसे या तुम्हारी बीवी से अब कोई सरोकार नहीं। आखिर पप्पू उसना के बारे में क्या कहना चाह रही थी? क्या हुस्ना एनी से मिल रही है? नहीं, नहीं, अगर हुस्ना एनी से मिलती तो मुझे जरूर बताती। लेकिन 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 पप्पू ने ऐसा क्यों कहा? मुझे हुस्ना को फोन करना चाहिए। मुझे कुछ पैसे चाहिए था आपसे, 1,00,000 रुपये। आप उसे पूछेंगे नहीं कि मुझे ये पैसे क्यों चाहिए? कहाँ वो? मेरे घर में। अरे अरे, तुम पागल तो नहीं होगी? तुमने तमन्ना को अपने घर रखा हुआ है, ये जानते हो भी कि वो तुम्हारे शौहर को कितना पसंद करती है? तुम झूठ बोल रहे हो। ले, मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? लेकिन मीना ने मुझे बताया कि तुमने उसको तलाक दे दी है। अरे वाह, वो ऐसे कैसे कह सकती है? वो अभी भी मेरे निकाह में है। मीना मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? ये सब कुछ तुम उसको फंसाने के लिए कह रहे हो ना? उसना बिल्लू घटिया हो सकता है, मगर इतना भी गिरा हुआ नहीं हो सकता कि तलाक देने के बाद उसी लड़की के पीछे जाए। और वैसे भी बिल्लू को लड़कियों की कमी है क्या? झूठ बोल रही हो तुमसे तमन्ना, है कहाँ वो? मेरे घर में। अरे अरे, तुम पागल तो नहीं होगी? तुमने तमन्ना को अपने घर रखा हुआ है, ये जानते हो भी कि वो तुम्हारे शौहर को कितना पसंद करती है? अब उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। ओ पागल, तुम्हारी सोच होनी है,
तमन्ना अली से इश्क करती है और ये इश्क और मुश्क इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे मीना और अली पे पूरा यकीन है। चलो ठीक है, देख लेंगे, मगर मेरी एक बात याद रखना, तुमने तमन्ना को घर लाकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ये तो वही बात होगी बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी जाए। अभी भी वक्त है, संभल जाओ और भेज दो तमन्ना को मेरे पास, वरना तुम बहुत पछताओगी। बेचारी सादगी में ही मारी जाएगी। क्या कर रही हो? मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाओ यहां से। और मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझसे बात नहीं करते। तमन्ना, ये मेरा ऑफिस है, मुझे यहां पे कोई तमाशा नहीं चाहिए, जाओ। आपको अपनी इज्जत का कितना ख्याल है ना, और मेरी इज्जत उसका क्या अली, कि कोई मायने नहीं है। मैं कोई चीज नहीं हूं जिसे आपने जब चाहा इस्तेमाल किया और जब जरूरत नहीं रही तो बाहर फेंक दिया। मैं एक जीती जागती इंसान हूं, और आप ये अनजान बनने का ड्रामा ना हुस्ना के सामने कर सकते हैं, लेकिन क्या आप मरी के इस होटल स्टाफ के सामने अनजान बन सकते हैं? तमन्ना तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। यू कैन डू दिस। आई कैन। एक काम करता है, मैं जाकर हुस्ना को सब सच सच बता देती हूँ, देखते हैं फिर वो आप पर यकीन करती है या मेरा भरोसा। जाओ जाओ, जाके जिसको बताना है बताओ, मैं तुम्हारे इस ब्लैकमेल में नहीं आने वाला। और मेरी बात याद रखना, हुस्ना तुम्हारा नहीं मेरा एतबार करे। क्या हुआ, अभी तक खड़ी क्यों हो? जाओ, जिसको जो बताना बताओ ना जाके। उसके चेहरे पर जो परेशानी थी, क्या वो सच कह रही थी? कहीं वो अली के पास तो नहीं गई? लेकिन वो अली के पास क्यों जाएगी? अली तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। खड़ी क्यों अभी तक? जाओ ना। क्यों कर रहे हैं आप ये? अभी क्यों कर रहे हैं ऐसा? प्लीज मत कर, अपना ताल्लुक मुझसे खत्म मत करो, मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं तंग आ गया हूं तमन्ना, मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी ये बातें सुन सुन के। मेरा कसूर क्या है? हाँ, मेरा कसूर क्या है? सिर्फ यही कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं। अगर आपको मेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था तो क्यों बचाया मुझे उस दिन? मर जाने दिया होता ना,
तो आप भी आज अपनी जिंदगी आराम से जी रहे होते। लेकिन मैं ना ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप मेरे सामने हो और इतने अजनबी बनकर रहे। ए कौन, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती तमन्ना? तुम्हें क्यों समझ नहीं आती मैं गुजरे हुए वक्त में वापस नहीं जा सकता? उस वक्त मैं सच बोल रहा था ना, मैं तुम्हें अपनी बात पे यकीन दिला रहा था ना, कर लेती मुझ पे यकीन। अब ये बेकरारी, इन बातों का क्या फायदा? आप इसके बजाय ये क्यों नहीं कहते कि आपका दिल भर गया है मुझसे? मुझे अली मैं नहीं जीना चाहती, मुझे जीना नहीं है, मेरा गले का बात। आप मुझे